पनीर का सुपर बासमती का बीज खिला रहे हैं जी। जी इंशाल्लाह ताला पाली पहली बनाई है बहुत खूबसूरत और इंशाल्लाह एक महीने के बीच भी अल्लाह के हुक्म नाल तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप भी ऐसा तंदुरुस्त बीज उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इसकी जो है ना जानकारी मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वो सबसे पहला जो काम होता है, जो बीज को दवाई लगा के इसको किसी तोड़े में या किसी बोरी में बंद करना होता है और इसके ऊपर छापर वगैरह लगा के इसको ताकि हवा बाहर की नमी ना मिल सके, ताकि ये अच्छी तरह जड़ इसकी निकल आए और इसको आसानी से ज़मीन में मुंतकल। दूसरा काम ये है ज़मीन तैयार करना, और ज़मीन तैयार करना ये मैं आपको दिखाता हूँ। ज़मीन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से जड़ी बूटियाँ घास वगैरह निकालेंगे, ताकि इसमें से जो भी हमें नज़र आ रही हैं घास जड़ी बूटियाँ और इसकी जो वटबंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से इसको मिज़ान वगैरह कहीं से करेंगे, क्योंकि कहीं से जो काम होता है वो किसी भी मशीनरी से नहीं होता, क्योंकि अपने हाथ से जो काम करना होता है ना वो सबसे बेस्ट और इसमें बरकत भी होती है। तो माशाल्लाह ये देखें हमने पूरी इसमें से जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं, मैं और मेरे अबू जान लगे हुए हैं, ताकि इसमें से जो भी अच्छे से जो नज़र आ रही जड़ी बूटियाँ सब बाहर हम इसको निकाल दें। तो ये देखें मैं बाहर छोड़ के आया हूँ, ये पूरी हम इसमें से सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि अच्छे से हमारी जो ना मुंजी की जो पनीरी है वो अच्छे से तैयार हो, ताकि उसमें से जड़ी बूटियाँ वगैरह ना हो निकले। वाला हमारा खेत पहले हमने इसमें प्याज लगाया हुआ था, तो ये देखें अभी भी प्याज निकल रहे हैं, तो ये प्रॉफिट साथ में हमें मिल रही है क्योंकि प्याज अभी बहुत महंगे हैं। तो ये देखें साथ में प्याज दोबारा से निकल रहे हैं। पहले ये देखें जी, सबसे पहले हम इसमें दवाई मिक्स करेंगे ताकि बीज को अच्छे से दवाई जहर वगैरह लगाएं, ताकि इसमें से कोई भी बीमारी जो है ना हमला ना आसानी से कर सके। ये देखें जी मैंने दवाई मिक्स कर दिया, अभी मैं इसमें से बीज डालूंगा ताकि उसको तकरीबन 12 से 18 घंटे तक इसको रखना दवाई के अंदर पानी के अंदर भिगो के, ताकि ये इसको अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए दवाई वगैरह, और इंशाल्लाह ये बीज बहुत तंदुरुस्त होगा। आपने पहले देखा भी होगा कैसा हमारा बीज निकल के बाहर आया था। तो इसमें से इसको 12 से 18 घंटे तक इसको पानी में भिगो के रखना, और इसके बाद इसको इसको तोड़े में बंद करना ताकि ये इसकी जड़ें वगैरह निकल सके। तो ये मैंने पूरा बीज इसमें डाल दिया, तो अभी इसको अच्छे से हल करके ताकि पूरा पानी इसमें जज्ब कर जाए और आसानी से ये अपनी जड़ें निकाल सकता है। तो ये देखे पूरा आसानी से मैंने हल कर दिया इसको। ये देखे जी हमने इसको 2 दिन के बाद ओपन किया, तो इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये अभी ज़मीन में बीजने के लायक नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें अभी अच्छे से नहीं निकली। तो इसको 1 दिन और दब्बू लगाएंगे ताकि इसकी जड़ें अच्छे से निकल सके, और इसके ऊपर आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते। तो ये देखें दब्बू लगाने के बाद 3 दिन दब्बू लगाने के बाद ये अभी तैयार हो चुका है। आज हम इसको इंशाल्लाह बीज बो देंगे। तो जी फाइनली खेतों की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा गधा लेके जा रहा है हमारा बीज। तो इंशाल्लाह आज आपको मैं दिखाऊंगा तो हम ज़मीन कैसे तैयार करते हैं और खेतों में बीज जो है ना कैसे इसको बीज लगाते हैं। तो ये अभी फाइनली हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो हम पहुंचते हैं खेतों में जी। तो सबसे पहले हम अपना इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन मेरा भाई स्टार्ट कर रहा है, वो साथ में अंकल साहब हैं। तो ये देखें जी इसमें डीजल डाला जा रहा है ताकि इंजन स्टार्ट करें और अपने जो है ना जहाँ हमने बीज बोना है पनीरी का उसमें पानी वगैरह लगाएं। तो ये देखें जी हमारा इंजन स्टार्ट करना शुरू कर दिया जी। ये
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे एरिए में ये ऐसे ही पानी निकलता, थोड़ा इसको तो हवा वगैरह निकालनी पड़ती है, तो ये आसानी से इतनी जल्दी पानी नहीं निकलता। तो ये देखे फिर चला गया, तो इंशाल्लाह ये देखे दोबारा आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी निकलना शुरू हो गया। अभी खेतों में पानी पूरा करेंगे और साथ में आपको फिर ज़मीन तैयार करके दिखाते हैं जी। तो जी अब हम इसको करेंगे कद, क्योंकि ये कद हमारे इतनी ज़्यादा हमने बीज बोनी नहीं है, तकरीबन 3 एकड़ की जो है ना बीज बोनी है, तो हम ये अपने गधे से ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा काम करने के लिए कोई भी मशीनरी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नहीं आते हैं। तो ये हम इससे ही पूरा इसको अच्छे से मिजान करेंगे, ताकि इसमें से पूरा जो पानी की सतह एक जैसी हवा होगी। तो ये हमने तकरीबन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि आधे घंटे तक ये हम पूरा इसको अल्हम्दुलिल्लाह जान वगैरह बराबर करके इसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे, ताकि पानी अच्छे से साफ़ हो जाए और इसमें आसानी से हम बीज वगैरह फेंक सकें। तीन दिन तो बाद जेड़ा ना है तो सामने अभी देखो अंगूर मार गया, पैली जी हूँ इन मुंतकिल कर लगे, सटन लगे, इन सटा खिलार लगे जी। तो ये देखे बीच अभी जो ना जमीन में हमने खिलारना शुरू कर दिया, छट्टे से हम ये बिजाई करेंगे, ताकि ये देखे बीज माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ हमारा, बिल्कुल बीजें दे लायक है। देखा बस बड़ा नहीं पनीरी का सुपर बासमती का बीज खिला रहे हैं जी, जी इंशाल्लाह ताला पाली पहली बनाई है बहुत खूबसूरत, और इंशाल्लाह एक महीने के बीच में भी अल्लाह के हुक्म ना तैयार हो जाएगा। जी तो ये देखे माशाल्लाह बी हमारा जो है निकल चुका है, तो आज हम इसको लगाएंगे पानी, क्योंकि अभी ये पानी के काबिल हो चुका है, और वो देखे सामने खेत में पानी चल रहा है, तो इसको भी अभी लगाते हैं थोड़ी देर। जी तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये बीज तैयार हो चुका हमारा, अभी हम इसको बिल्कुल दूसरी ज़मीन में मुंतकिल करने के लायक हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा बीज तैयार हुआ है। तो ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी तरह इंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं हमने जो अपना बीज बोया था अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी ज़मीन में मुंतकिल कर दिया, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बीज तैयार हुआ, हमने ये खुद लगाया और माशाल्लाह अच्छे से हमारे जो बीज तैयार हुआ इसको लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मैं इसलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये देखें अच्छे से अच्छा बीज हम कैसे तैयार कर सकते हैं और इसी को कैसे हम ज़मीन में मुंतकिल कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।